सबसे पहले तो अजय गुरुजी को मेरा प्रणाम और मेरे सभी दोस्तों और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं गांव खेड़की दौला जिला गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो अपनी 12th है वो 2015 में पास की और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया और फिलहाल मैं एमकॉम कर रहा हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से। मेरी कहानी तो शुरू हो गई थी 2015 से ही। जब स्कूल में था जब तो ये लगता था, क्या कहते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे, उसके बाद में एन्जॉय करेंगे लाइफ को, थोड़ा सा एन्जॉय करेंगे, आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन जैसा सोचते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब 2015 में मैंने 12th के जो फाइनल के जो पेपर दिए थे उसमें मेरी मैथ के पेपर में री आ गई थी। ये आपको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आगे जाके इससे कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग बनेगी। तो मैंने हालांकि वो साल ख़राब नहीं होने दिया, जो सेकंड चांस जो मिलता है तो फाइनल पेपर के बाद, री आने के बाद, तो मैंने उसमें उसको क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने गुड़गांव एक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लिया। 6 महीने का कोर्स मैंने वहाँ किया और 6 महीने ही लगा लो कि कोर्स तो कर क्या गया, टाइम ही खराब किया। 3 महीने गया, 3 महीने नहीं गया, वो फीस भी वेस्ट ही गई, सर्टिफिकेट भी उठा के नहीं लेके आया आज तक। उसके बाद में रिजल्ट आना बाकी था, 12th के जो फाइनल पेपर मतलब री आई थी उसका रिजल्ट आना बाकी था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, कंप्यूटर भी सीख लिया, सीख खरा सीखा बराबर था। फिर मैंने बिग बास्केट कंपनी ज्वाइन की, उसमें मैं एज ए डिलीवरी बॉय मैंने काम किया वहाँ पे, क्योंकि घर के हालात ऐसे कुछ खास नहीं थे। तो बिग बास्केट कंपनी में मैंने डिलीवरी बॉय का काम किया, 1 साल या 10 महीने मैंने ऐसे कुछ काम किया था। फिर वहाँ से भी लगा कि इसमें तो ग्रोथ नहीं है, नहीं हो पाएगा आगे, क्योंकि 10-15 हज़ार की नौकरी में पता ही आपको कि कुछ होना तो है नहीं, बस इंसान अपना पेट भर सकता है, वो भी ठीक से नहीं। कहते दाल रोटी खाएगा, दाल भी आजकल इतनी महंगी हो रही है, 15 हज़ार में वो भी नहीं खाई जा सकती। उसके बाद किसी ने मेरे को सलाह दी, क्या कहते हैं, कि तुम किसी एडवोकेट या सीए के पास बैठ जाओ, वहाँ पे काम सीख लो तुम, मतलब 12th कॉमर्स से की है तो आगे बीकॉम में एडमिशन ले ही लोगे, तो अपना किसी सीए या किसी एडवोकेट के पास बैठो और काम सीखो, आगे कहीं 20-25 हज़ार की नौकरी आराम से मिली जाएगी। फिर मैंने एक टैक्सेशन के एडवोकेट के पास जाना शुरू किया। 8-9 महीने में वहाँ पे गया, वहाँ से भी मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। काम तो वो उनका, वो अपनी तरफ से तो अच्छा सिखाते थे लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। उसके बाद में धीरे धीरे करके 2017 आ गई। उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त आर्मी की तैयारी भी किया करते थे, तो फिर मेरे को लगा कि यार इससे तो बात नहीं बन पाएगी, ऐसा करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। फिर मैंने शाम को ऑफिस से आने के बाद जैसे टाइम मिलता था तो रनिंग करने चला जाता था, क्योंकि मेन तो फिजिकली होता है आर्मी में। फिर मैंने धीरे धीरे करके कुछ टाइम निकला ऐसे ही। फिर मैंने 2017 जब आ गई उसमें शायद मार्च अप्रैल में मैंने पेस अकेडमी में एडमिशन लिया। उस टाइम पे हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले हुए थे। हालांकि मैंने एडमिशन लेने से 1-2 महीने पहले थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मैं उसके लिए वो बुक लेकर आया था, उसमें सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में होते हैं, हिंदी मैथ रीजनिंग इंग्लिश हरियाणा जी के सब। लेकिन उससे कोई खास आउटपुट आया नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था इससे हो जाएगा, लेकिन जो साथ वाले बाद में पता चला, उन्होंने बताया जो गांव में थे कई एक्सपीरियंस जो तैयारी कर रहे थे कि भाई इस बुक से कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने एडमिशन लिया पेस अकेडमी में। उस टाइम तो मेरे को अजय सर के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पता चला, पढ़ते गए, तो फिर हरियाणा में तो पता ही है मेन तो हरियाणा जी की होती है पढ़ने के लिए। तो फिर स्टार्टिंग में तो यही था, कोई हम भी एवरेज स्टूडेंट था, मैं भी कोई ऐसा खास नहीं था, आपको पता ही है 12th में री आई थी। उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू की धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में तो चलता रहा। फिर अजय सर जैसे बातें बताते थे, हमें जीके की क्लास में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अजय सर की क्लास मैंने मिस कभी की भी नहीं। अजय सर भी खुद बता देंगे कि मैं सुबह आया करता और अकेडमी बंद हो जा होती थी 9 बजे, तो मैं अकेडमी बंद करवा के जो वहां पे एक लड़का लगा हुआ था उसके साथ जाता था घर पे, मतलब वो उसी टाइम जाता था 9-10 बजे करीब, 7 से 9 बजे सर का लास्ट बैच होता था, तो उस सुबह से लेके शाम तक मैं सर की क्लास लेता था, नोट्स बना लिए, सब कुछ तैयार कर लिया। उसके बाद पेपर आया हरियाणा क्लर्क का 2019 में, तो अजय सर के नोट्स थे, क्लास ली कंटिन्यू। अजय सर कई कहावत वो आगे बताएंगे,
कि क्या सीन था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे करके पढ़ते रहे, पेपर आ गया हरियाणा क्लर्क का, तो भाई पेपर निकल गया। डीवी के लिए कॉल आ गई, डीवी देने चला गया, फिर फाइनलिस्ट में मैं रह गया। नंबर हालांकि मेरे पूरे थे, वो 63 नंबर पे लिस्ट गई थी और मेरे 63 थे। तो हरियाणा में कुछ ऐसा होता है एज फैक्टर, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब एज के एक्सपीरियंस नहीं, काम का एक्सपीरियंस नहीं, एज के हिसाब से उसको पहले लिया जाता है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी मतलब कम है, मेरी एज अभी 23 है डेट ऑफ बर्थ में, और एक्चुअल भी इतनी है ऑलमोस्ट। तो इस वजह से मैं रह गया उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज हुआ। फिर सर की एक ही बात है कि बदनसीब थी वो मंजिल जो हमें ना पा सकी, तो बस इसी बात को सोच के आगे तैयारी करते रहे करते रहे। उसके बाद में मैंने 2019 में तक करी थी कोचिंग, उसके बाद एकेडमी छोड़ फिर सेल्फ स्टडी की। घर में भी कुछ हालात ऐसे नहीं थे ठीक ठाक, तो अपना धीरे धीरे करके करता रहा तैयारी, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर काम भी कर लिया। फिर दिल्ली पुलिस का पेपर आया, दिल्ली पुलिस का पेपर मैंने निकाल दिया अपना, उसमें ठीक ठाक नंबर भी ठीक थे। और लेकिन हुआ ये कि पेपर तो निकल गया, लेकिन फिजिकल से 3 या 4 दिन पहले मेरे को लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते टाइम मेरी मतलब लोअर बैक में इंजरी हो गई, उसकी वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो उसमें भी मैं थोड़े टाइम से रह गया। उसके बाद सिचुएशन घर पे भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी फाइनेंशियली, तो मैंने एक कंपनी पकड़ ली वर्क फ्रॉम होम की, 2-3 महीने उसमें काम किया। फिर हुआ ये कि मेरी ग्रेजुएशन में जो फाइनल सेम था उसमें री थी एक आध, तो हरियाणा पुलिस के और हरियाणा SI के पेपर इनके फॉर्म निकले हुए थे। तो कॉन्स्टेबल का तो मैंने भर दिया था, लेकिन SI के लिए ग्रेजुएशन चाहिए थी, तो उस टाइम पे हुई नहीं थी। फिर बीच में एक बार SI का जो ये था फॉर्म रीओपन हुआ था, फिर उस टाइम में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, मतलब 10 या 20 दिन पहले हुई थी। तो वो फॉर्म मैं फिल करने के लिए अप्लीकेबल हो गया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, पेपर आ गया। हालांकि मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने कुछ दोस्तों से बात की, तो उनसे पूछा कि भाई बताओ क्या फैसला लेना चाहिए, घर में तो हालात है नहीं। उन्होंने कहा एक बार देख लिया, अब 3-4 साल हो गए तैयारी को करते हुए, तो इतने दिन बेरोजगार रह लिया तो एक बार और सही। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे पास 26 दिन थे। तो मैंने सर से बात की, सर उस टाइम पे अपनी उस सर ने चैनल शुरू किया था, मैंने सर को बोल बोल के सर ये टॉपिक कराओ वो टॉपिक कराओ, सर ने सारे टॉपिक कराए और मैंने क्लास ली भी। मैं ड्यूटी से फ्री होता सर की क्लास लेता, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो गया, मैंने ड्यूटी छोड़ दी थी। तो मैंने सर की सारी एक एक डिस्ट्रिक्ट जो सर ने कराया एक एक वीडियो सारी देखी है, और बाकी जो सिलेबस था वो मैंने सारे नोट्स से पढ़ लिए थे सर के से। सर ने जो कंटेंट बताया मैंने सारा पढ़ा, हरियाणा जी के सब कुछ पढ़ा, मैथ वैथ जो भी है। पेस अकेडमी में ये नहीं कहता कि सर ही एक अच्छे टीचर है, टीचर सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरे को अजय सर जैसा टीचर कोई मिला ही नहीं। उसके बाद में जिस किसी ने मेरे से पूछा कि भाई पेस अकेडमी में क्यों जाना चाहिए, मैं भाई देख तुम्हारी पता नहीं, फैकल्टी तो पूरी अच्छी है, लेकिन मैं अब तक हूँ पेस अकेडमी से जुड़ा हुआ, और अब भी एक बार मतलब कई बार सेशन होते थे कंप्यूटर क्लास, तो क्यों जाता हूँ कि भाई वहाँ पे अजय सर है, अजय सर पढ़ाते हैं, बस मेरे पास सिर्फ एक यही रीजन था। फैकल्टी सारी सही है, तो बात चल रही थी कि भाई सर से मैंने बोल बोल के क्लासेस डलवाई, सर ये क्लासेस डालो वो डालो, सारी की मैंने कवर, मेरे पास 26 दिन बचे हुए थे, मैंने सारी कवर की। मैं सुबह 8-9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था और रात को आता था 12-1 बजे, कंटिन्यू अपना 2 टाइम का खाना लेके, मेहनत करी 20-25 दिन, 26 दिन बचे हुए थे मेरे पास। तो पेपर देने गया, पेपर भी काफी दूर था, अम्बाड़ा ऐसे आता है हरियाणा का, पेपर दूर ही आते हैं। तो पेपर दिया मैंने, पेपर मेरी फिजिकल के लिए कॉल आ गई, मेरे 76-78 इतने क्वेश्चन ठीक हो गए थे, फिजिकल के लिए कॉल आ गई। मैंने सर को बताया, तो ठीक है सर को बता दिया उस दिन, कोई दिक्कत नहीं, सर ने कहा ठीक है आगे करो तैयारी, फिजिकली हो जाएगा। तो हमारा 20 को रिजल्ट आया था और 23 को फिजिकल था। हालांकि मेरे क्वेश्चन सही थे, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा था कि हो जाएगा, तो मैं फिजिकल की तैयारी थोड़ा पहले ही शुरू कर दी थी। पेपर दिया उस दिन 26 सितंबर को शायद पेपर दिया था, हाँ 26 सितंबर को पेपर दिया था, तो उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो फिजिकल के लिए कॉल आ गई, फिजिकल देने चला गया, फिजिकल देने चला गया, तो फिजिकल देख के आया तो 23 को फिजिकल था, 24 को रिजल्ट आना था। तो मैंने उस दिन सर से बात की, सर भाई डर तो लगा ही रहता है,
अब इतनी तैयारी की, कंपनी भी छोड़ दी, घर वालों का भी प्रेशर था और फाइनेंशियली भी इतने मजबूत नहीं थे। तो मैंने सर को मैसेज किया, सर बहुत डर लग रहा है, बताओ क्या करें, पता नहीं फिजिकल होगा कि नहीं होगा। सर कह रहे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डर के आगे तो जीत है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। वो सर ने उस दिन मेरे को एक मैसेज लिखा था कि नोट्स माई वर्ड, नोट माई वर्ड्स, आगे भी फाइनल सिलेक्शन भी होगा तुम्हारा। मैं कहा सर चलो देखते हैं। फिर 24 तारीख को रिजल्ट आ गया था, तो मेरा फिजिकल हो गया। सबसे पहले मैंने सर को ही मैसेज किया कि सर फिजिकल का रिजल्ट आ गया, हो गया। उसके बाद मैं फिजिकल हो गया, उसके अगले दिन डीवी देने चला गया। मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट जो आया था 31 अक्टूबर को रात को 11:40 पे, सॉरी 44 मिनट पे मैंने देख लिया कि फाइनल रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया। मैंने सर को मैसेज किया कि सर सिलेक्शन हो गया है मेरा रात को 12 बजे। सर ने कॉन्ग्रेट्स किया, सबके मैसेज आए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। और पढ़ने की और पढ़ाने की बात ऐसी है कि भाई देखो, मैं हूँ सर के पास और मेरे जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे लिए तो इंस्पिरेशन थी। मैंने हालांकि सर को आज आज तक बताया नहीं, सर को क्या किसी को भी नहीं बताया था। जब हम पढ़ा करते थे सर की क्लास में, तो सर एक नाम हमेशा लेते थे, सुनील वैष्णव का। उस भाई का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा क्लर्क दो पेपर क्वालिफाई हुए थे। आज वो भाई किसी एक नौकरी पे है, तो मेरे को भी लगता था। और हम जब नीचे जाते थे स्टेयर से पेस अकेडमी में से, तो उसका नाम जैसे लिखा होता है ना बोर्ड पे, नोट बोर्ड लगाते थे उस पे, सुनील वैष्णव हरियाणा पुलिस और हरियाणा क्लर्क। तो मेरे मन में यह था कि मेरे को अपना नाम यहाँ डलवाना है। तो आज भाई सर के आशीर्वाद से और घर वालों के सपोर्ट से और सभी भाइयों के सपोर्ट से मेरा क्या कहते हैं पेस अकेडमी में फोटो भी लग गया है, नाम भी लग गया है। और आज मैं भी इतना काबिल हो गया हूँ कि सर की एक वीडियो में, वार्तालाप सेशन में, एक इंस्पिरेशन बन के आपके सामने आ रहा हूँ। तो एक और बात कि मेरी लाइफ में अगर मैं किसी को इंस्पिरेशन मान के चलूँ, तो दो ही बंदे हैं, उनको मैं नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 2 या नंबर 1 पर रखूँ तो अजय सर, और दूसरे हमारे गांव में जिनसे स्टार्टिंग में मैंने उनके पास जाता था जब एडमिशन नहीं लिया था, 1-2 महीने गया था स्टार्टिंग में, दीपक भाई, दीपक यादव नाम है उनका वो। तो ये थी मेरी कहानी। और देखो सर इस तरीके से पढ़ाते हैं हमें, मैंने पढ़ा है 4 साल, मैं सर से हमेशा टच में रहा हूँ कि अपनी फैमिली तक को इन्वॉल्व कर देते हैं हमें पढ़ाने में, कि बस बच्चे को याद रहना चाहिए, बच्चा भूलना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। उनका मेन मोटिव यही होता है कि कैसे ना कैसे बच्चा सीख जाए, वरना आज तक मैंने 12th भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, और अब क्या कहते हैं आज मैं हरियाणा पुलिस में आज सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट भी हो गया। अब मैं M.Com भी कर रहा हूँ इग्नू से। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा टीचर देखा नहीं अपनी फैमिली तक को इन्वॉल्व करके हमें उदाहरण बना बना के समझाए, और सही वे में भी नहीं, मतलब फैमिली के लिए नेगेटिव वे में भी बच्चों के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। बस ये नहीं कि उनकी हमेशा सही सही चीजें हमें बताई, उनकी गलत चीजें हमें बताई, तो जिससे हम सीख सके। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, और गुरुजी को फिर से एक बार प्रणाम, धन्यवाद।